चुपचाप अमेठी से खिसक कर वायनाड से चुनाव लड़कर सांसद बने राहुल गांधी का ये गढ़ भी खतरे में पड़ गया है। वजह ये कि केरल में ईसाई समुदाय के लोगों की करीबी बीजेपी से बढ़ती जा रही है। बीजेपी लगातार इस समुदाय को फोकस करती नजर आ रही है। अब लगता है कि उसे उसकी मेहनत का नतीजा मिलने वाला है। केरल के एक आर्क बिशप ने कहा कि अगर बीजेपी किसानों के लिए काम करती है तो उन्हें चुनाव में जीत दिलाएंगे। आर्क बिशप का ये बयान कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। वजह ये कि केरल में ईसाइयों की आबादी करीब 20% है। आर्क बिशप के इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कुन्नूर जिले में किसान रैली में रोमन कैथोलिक चर्च के आर्क बिशप जोसेफ पाम्पलानी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार किसानों से 300 रुपए के रेट पर रबर खरीदेगी तो हम बीजेपी को चुनाव में जीत दिलवाएंगे। बीजेपी ने आर्क बिशप के बयान का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि आर्क बिशप ने साफ कहा, बीजेपी उनके लिए अछूत नहीं है और चर्च किसी भी राजनीतिक दल को अछूत नहीं मानता। मुरलीधरन ने कांग्रेस और सीपीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बयान से उन्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है, जबकि आर्क बिशप किसानों का मुद्दा रख रहे थे। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम आर्क बिशप को बोलने की आजादी नहीं देना चाहती। इन पार्टीज को किसानों की चिंता नहीं है, बस इन्हें अपना वोट बैंक खिसकने की चिंता है। ये चाहते हैं कि ईसाई उनका वोट बैंक बने रहें, लेकिन अब ये पार्टियां एक्सपोज हो रही हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आशा है कि आर्क बिशप उत्तर भारतीय राज्यों में चर्च और प्रीस्ट पर हुए हमलों के बारे में भूले नहीं होंगे। कांग्रेस नेता के बयान पर मुरलीधरन ने पलटवार करते हुए कहा कि वेणुगोपाल को छत्तीसगढ़ में हुए चर्चेस पर हमले का जवाब देना चाहिए। बीजेपी ने पिछले कुछ वक्त से ईसाई समुदाय पर फोकस बढ़ाया है। अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी ने नए सामाजिक समीकरणों पर काम करने का साफ संदेश भी दिया। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने केरल में 15 सीटें जीती थीं। 2 सीट मुस्लिम लीग, 1 सीपीएम, 1 केसीएम और 1 सीट आरएसपी को मिली थी, जब कांग्रेस सब जगह कमजोर थी, लेकिन केरल में उसे अच्छी सीटें मिली। बीजेपी का मानना है कि 2024 में ये स्थिति नहीं होगी, क्योंकि लोग वहां पार्टी को विकल्प के तौर पर देखना शुरू कर रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।